हेलो नमस्कार दोस्तों। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हमारा नया चैप्टर का पार्ट सेकंड। ओके, तो चैप्टर 2 में जो हमने बातें की थी उनसे ही एक बार मैं छोटा सा रिवीजन का पार्ट लेते हुए चलेंगे और बात करेंगे आगे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने स्टार्ट की थी, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने समझा था क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या होती है। फिर हमने टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट दिस फेनेटिक, दैट इज़ अ टाइप ऑफ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ यू नो किंगडम्स, है ना, 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5, 6, सब के बारे में हमने विटेकर का क्राइटेरिया, एंड देन जो हमने जिस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स को डिवाइड किया हुआ है वो सब क्राइटेरियाज़ के बारे में बात यहाँ पर की गई है। 6 किंगडम सिस्टम के बारे में बात की, एंड आफ्टर दैट हमने प्रॉपर्टीज़ देखी 5 किंगडम्स के बारे में। ठीक है, आफ्टर दैट अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू किंगडम, दैट इज़ फर्स्ट किंगडम, किंगडम मोनेरा। ओके, तो किंगडम मोनेरा में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट में क्या है, जनरल फीचर। देखिए, जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम मोनेरा में होंगे उनके कुछ जनरल फीचर्स, ठीक है ना, यानी कि वो सब में ही वो करेक्टरिस्टिक्स, या हम कह सकते हैं कि वो करेक्टरिस्टिक्स जो है सब ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगी। तो सबसे पहली जो बात है वो यहाँ पर वो क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो वो क्या है एक्चुअल में, वो ये है, एक मिनट में इस माइक को थोड़ा सेट कर लेता हूँ। वो ये है कि सबसे पहले तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर होंगे वो क्या होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है, प्रो का मतलब क्या है यहाँ पर, प्रिमिटिव, और कैरियोट का मतलब कैरियोन, और कैरियोन का मतलब यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है ना, कैरियोन का मतलब, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा है, प्रिमिटिव है, यानी कि एडवांस्ड न्यूक्लियस नहीं है, डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। क्यों है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, देखिए, क्योंकि ये जो प्रिमिटिव, इसमें मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है ना, इसमें मेम्ब्रेन नहीं है, विदाउट मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं एक्चुअल में, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है ना। मास जो होगा डीएनए का, उसको हम पूरे मास ऑफ डीएनए, दैट इज सर्कुलर जो होगा डीएनए, उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ऑर्गेनलीज भी सब एब्सेंट होती हैं। साइज़ की अगर हम बात करें इस किंगडम के ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर कुछ माइक्रोन्स तक जो है इसके साइज़ होता है। सेल वॉल जो होगी बिल्कुल होगी, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। आफ्टर दैट गैमेट्स जो होंगे वो एब्सेंट होंगे। फ्लैजेला, गैमेट्स के बारे में आपको पता है, ठीक है, सेल वॉल के बारे में आपको पता है, कवरिंग है, ठीक है, एनवलप है, जिसके डिटेल में हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फ्लैजेला, ठीक है ना, अगर प्रेजेंट है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, और वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होगा। देखिए, यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यही क्वेश्चन नीट में बनते हैं, ठीक है, कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है या कौन से प्रोटीन से बना होता है। देन किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डिकम्पोजर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, मिनरलाइजर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, एंड इनका जो हैबिटाट है ये सब हर पॉसिबल एनवायरनमेंट में, चाहे वहाँ पर कितनी ही ठंड क्यों ना हो, कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, कितनी एसिडिटी क्यों ना हो, ठीक है ना, हर एनवायरनमेंट में, हर पॉसिबल एनवायरनमेंट में ये आपको मिलेंगे, सोइल, एयर, वाटर, ठीक है ना, हर जगह। डिवीज़न की हम बात करते हैं, एक्चुअल में जो किंगडम है ये, इसमें हमने ये 4 ग्रुप्स में इनको बांट दिया है, ठीक है ना, जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम में आते हैं। पहला है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया आएंगे वो एंशियंट बैक्टीरिया, यानी कि जब अर्थ की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है ना, जब अर्थ ओरिजिनेट हुई थी तो उस टाइम पर ये बैक्टीरिया थे, तो इसलिए हम इनको एंशियंट बैक्टीरिया बोलते हैं, और इसी वजह से मोस्ट प्रिमिटिव, यानी कि लेस एडवांस्ड, सबसे ज़्यादा लीस्ट एडवांस्ड, रदर आई शुड से, ये हैं। यू बैक्टीरिया, यू का मतलब ही ट्रू होता है, ट्रू बैक्टीरिया, दैट इज मॉडर्न बैक्टीरिया, जो बाद में इवोल्व हुए हैं, ठीक है ना, वो बैक्टीरिया मॉडर्न बैक्टीरिया है। साइनो बैक्टीरिया, ये ब्लू ग्रीन एल्गे के नाम से भी जानते हैं। माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है प्लैनेट अर्थ पर विदाउट सेल वॉल, प्लूरियो न्यूमिनो लाइक ऑर्गेनिज्म, या PPLO के नाम से भी इसे जानते हैं। एंड आफ्टर दैट एक्टिनोमाइसिटीज, तो ये जो है 5 ग्रुप्स में हमने इस किंगडम के सारे ऑर्गेनिज्म्स को बांट दिया है, और इन 5ों ग्रुप्स के बारे में हमें डिटेल में बात करनी है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूँगा इस मॉडर्न बैक्टीरिया से, ट्रू बैक्टीरिया से, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बात स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसे यू बैक्टीरिया के बारे में बात स्टार्ट कर दी है, और यू बैक्टीरिया के जनरल फीचर से स्टार्ट करते हैं। तो यू बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सब सिंगल सेल्ड होंगे, एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है ना, ये बीच में उसका न्यूक्लोइड, ठीक है, और बाकी कोई ऑर्गेनली तो इसमें होती नहीं है, ठीक है। आफ्टर दैट पेप्टिडोग्लाइकन, जो सेल वॉल होगा वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होगा। आफ्टर दैट म्यूसिलेज की कवरिंग होगी, यानी कि जैसे ये बैक्टीरिया है,
ठीक है, कैसे होता है पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर भी बता देता हूँ। ये सेल, ये उस बैक्टीरिया, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर इसका सेल वॉल होगा। सेल वॉल के बाहर क्या होगा? सेल वॉल के बाहर इसका जो है ये म्यूसिलेज कवरिंग, जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो वो कैसे होती है, क्या होती है, किसमें नहीं होती, किसमें होती है, वो सब चीज़ें। नेकेड सर्कुलर डीएनए होता है, मैंने आपको पहले बताया। सर्कुलर जो डीएनए है वो सर्कुलर है, ठीक है, और सर्कुलर वो डीएनए फोल्डेड है और वो नेकेड है। नेकेड दो रीजंस के लिए नेकेड है। एक तो वो पहला हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाउंडेड नहीं है, ठीक है ना। हिस्टोन प्रोटीन्स, और इनके बारे में हमने 11th क्लास में की वीडियो में बात की थी, ठीक है, या अभी आगे जब आने वाले, जब 11th क्लास की वीडियो आएंगे उस टाइम पर हम इनके बारे में बात करेंगे। हिस्टोन प्रोटीन्स किस तरह से, क्या चीज़ें होती, किस तरह से डीएनए से जो है, डीएनए, क्रोमेटीन, क्रोमोसोम्स, इनमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये समझिए आप कि सर्कुलर है डीएनए, ठीक है, और नेकेड है। नेकेड इस वजह से है क्योंकि एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है बाहर, ठीक है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर नहीं है, और दूसरा जो है ये स्टोन से भी बाउंडेड नहीं है, तो इस वजह से हम इसको नेकेड बोलते हैं। मीजोजोम, इनके बारे में बात करेंगे। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इन्हीं की एक्सटेंशन है, ठीक है ना। मीजोजोम सैप वैक्यूल एब्सेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनलीज सभी सभी एब्सेंट होती हैं। राइबोसोम होंगे वो 70S होंगे। रिप्रोडक्शन जो होगा वो मोस्ट कॉमनली बाइनरी फ्यूजन से होगा। न्यूट्रिशन, बहुत अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिलेगा, हेटरोट्रॉफिक भी देखने को मिलेगा, इसमें भी अलग अलग टाइप्स देखने की मिलेंगी। फ्लैजल, अगेन वही बात, सिंगल स्टैंडर्ड होगा और प्रोटीन फ्लैजेलिन से बना हो। यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस का मतलब होता है कि जितने भी पॉसिबल एनवायरनमेंट में सब में ये पाए जाते हैं, ठीक है, एयर, वाटर, सॉइल, हर जगह, और चाहे कितने भी एक्सट्रीम कंडीशंस हो, कैसी भी कंडीशंस हो, ठीक है ना। और बहुत सारे इसमें हो, ऐसे होते हैं जो, अगर हम सर्टेन, अगर हम इनके सिर्फ इनके बारे में बात करें, बैक्टीरिया के बारे में, तो यस एक्सट्रीम कंडीशंस में तो ये नहीं पाए जाएंगे, लेकिन हाँ सभी पॉसिबल एनवायरनमेंट में ये लगभग पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर देखिए। अब स्ट्रक्चर की बात यहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए अब स्ट्रक्चर में जो है क्या है, घबराने की बात नहीं है, सिंपल इसको बना देते हैं। सबसे बाहर वाली जो कवरिंग आप देख रहे हैं म्यूसिलेज, जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। ग्लाइकोकैलिक्स जो कि एक तरह का पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, पॉलीसेक्राइड से ये मेम्ब्रेन बनी होती है। म्यूसिलेज सबसे आउटर मोस्ट है ये, ठीक है। उसके बाद हमने देखी म्यूसिलेज के बाद जो नेक्स्ट जो है वो है सेल वॉल। म्यूसिलेज के बाद क्या है? सेल वॉल है, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इनके बारे में बात करेंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसी वजह से इनके पास आउटर मेम्ब्रेन, एक और मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन, वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो सेल वॉल है, और फाइनली सेल वॉल के बाद ये स्पेस है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, इतने हो गए। अब अंदर का स्ट्रक्चर ये सब क्या है, इनके बारे में देखते हैं, या फिर पहले इनके बारे में, बाहर के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये थ्रेड लाइक, ये क्या है? फ्लैजेलम है। और फ्लैजेलम के क्या पार्ट है? ये इसकी बेसल बॉडी है, ये हुक है, एंड देन ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंट है। तो तीनों से मिलकर फ्लैजेलम बन गया, ठीक है। क्या काम करता है वो सब चीज़ें देखेंगे। पाइलस जो है ये, फिम्ब्रिया जो है ये पाइलस, ठीक है ना, ये जो रोड शेप्ड है ये पाइलस है, ठीक है। उसके बाद अंदर आते हैं, ये राइबोसोम्स हैं, और जब बहुत सारे, जब देखिए पॉलीराइबोसोम्स बन जाते हैं, बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं आपस में, और ये क्या बन जाते हैं? पॉलीराइबोसोम, क्योंकि एक ही प्रोटीन की सिंथेसिस अगर ज़्यादा बार करनी हो तो ज़्यादा क्वांटिटी में करनी हो। ये न्यूक्लोइड है, ये जो हमने देख रहे हैं न्यूक्लोइड है ये, ठीक है, सर्कुलर डीएनए। एंड ये देखिए, ये एक्सटेंशन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आ रही है, ये क्या है? ये मीजोसोम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ ऑलमोस्ट होगी साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में किसी भी तरह का कोई भी ऑर्गेनली नहीं है। आरएनए है थोड़ा बहुत, ग्लाइकोजन, ठीक है ना, एज ए फूड स्टोर्ड, लिपिड ग्रोब्यूल्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी हैं किसके अंदर? इसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हमने देखी। पॉलीराइबोसोम क्या है, राइबोसोम, ये सब चीज़ों के बारे में। अब कंपोनेंट्स देख लेते हैं, बैक्टीरियल सेल के क्या कंपोनेंट्स है। देखिए बैक्टीरियल सेल के कंपोनेंट्स को मैं तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूँ। सेल एनवलप, सबसे पहले जो उसका एनवलप है, कवरिंग है वो, फिर उसका प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि जो लिविंग पार्ट है, और फिर उसके अपेंडिसेस, यानी कि उसके हाथ पैर, इस तरह एक तरह से, ठीक है। तो सेल एनवलप में सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स आती है, फिर एक आउटर मेम्ब्रेन आती है, फिर पेरिप्लाज्मिक स्पेस आता है, और फिर सेल वॉल आता है, ठीक है। तो ये चार जो है सेल के एनवलप हैं, ठीक है। उसके जैसे हमने यहाँ पर देखा था, सबसे बाहर हमने क्या देखा जो है म्यूसिलेज, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद मान लीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव, इसलिए इसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं दिखा रखी है, ठीक है। तो एक मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद सेल वॉल होगा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो ये होगा, तो ये चार हो गया। प्रोटोप्लाज्म में आ गया, आएगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, लिविंग पार्ट है जो, और आपका साथ में साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या क्या है? म्यूजोसोम्स हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ हैं, क्रोमेटोफोर्स हैं, राइबोसोम्स हैं, न्यूक्लियोइड है, प्लाज्मिड है ना, और अपेंडिसेस में फ्लैजेलम है,
पाइलस एंड फिम्ब्रिए है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इनके बारे में एक करके बात डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जैसे मैंने आपको बताया आउटर मोस्ट कवरिंग है, और पॉलीसेक्राइड लेयर ये है। अगर लूज शीथ की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं, और अगर थिक और टफ होते हैं तो इसको हम कैप्सूल बोल देते हैं। और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है बैक्टीरिया में, प्रोटेक्शन करती है उसका फेगोसाइटोसिस से। फेगोसाइटोसिस का मतलब पता है, जब एक दूसरा सेल एक सेल को ईट कर लेता है, ठीक है, तो फेगोसाइट्स होते हैं हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया से हमें बचाते हैं। तो जैसे ही कोई बैक्टीरिया आता है तो ये इनको जो है ईट ईटअप कर लेते हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, फिर आउटर मेम्ब्रेन जो है वो लिपोपॉलीसेक्राइड से बनी हुई होती है, ठीक है, और ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही होती है, ठीक है। और ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और साथ में पैथोजेनिसिटी यानी कि जो डिजीज कोजिंग जो एबिलिटी होती है वो इसकी बढ़ा देती है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन ऐसी होती है कि कुछ हमारी जो एंटीबायोटिक्स है वो इन पर काम नहीं कर पाती हैं। फिर आता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ये स्पेस होता है, फ्लूड होता है बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन और सेल वॉल, सेल वॉल और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, यहाँ पर कुछ मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। सेल वॉल, सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, और ये क्या काम करता है, शेप प्रोवाइड करता है सेल को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और साथ में सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सारे काम सेल वॉल करता है। आफ्टर दैट प्रोटोप्लाज्म में जो पार्ट्स आते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि एक 11 नैनोमीटर थिक इनर मोस्ट लिपिड बाय लेयर है, ठीक है। किस तरह से अरेंज होती है, जैसे ये जो है लिपिड बाय लेयर की फॉर्म में अरेंज होती है, ये जो स्फेरिकल पार्ट है ये लिपिड, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और ये जो है आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है लिपिड की, तो इस तरह से होती है, और इधर फिर ये ऐसे हो जाती है क्योंकि लिपिड जो चेन है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है, तो ऐसे मिलकर एक स्ट्रक्चर बन जाता है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है ना, ऐसे मिलकर एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं लिपिड बाय लेयर, क्योंकि लिपिड से बनी हुई है दो लेयर से, इसलिए लिपिड बाय लेयर। ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करती है क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है ना, मतलब सबको ऐसे नहीं है कि हर चीज़ को अंदर जाने दे और बाहर आने दे, तो एंट्री को जो है रेगुलेट करती है ट्रांसपोर्ट को। बायोकेमिकल रिएक्शंस यहाँ पर होती है, प्रोटोप्लाज्म को एक लिमिट प्रोवाइड करती है। फिर सेकंड जो पार्ट है प्रोटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूडिक मैट्रिक्स है, और इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं, साथ में जो जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है ना, वो सब होती हैं, और इसी वजह से जो सेल है वो लिविंग स्टेट में भी रहता है साइटोप्लाज्म की वजह से। साइटोप्लाज्म का ही पार्ट है, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी चीज़ होती है। मेसोजोम जो कि एक्सटेंशन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई भी थी, यहाँ देखिए आप ये एक्सटेंशन जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है मेसोजोम। आफ्टर दैट ये मेसोजोम क्या काम करती है, देखिए अब ये जो मेसोजोम है ये दो तरह की होती है, पहली जो है सेप्टल और दूसरी लेटरल। अगर यहाँ देखिए आप इस केस में, देखिए आप इस केस में अगर आप देखें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और न्यूक्लियोइड को जोड़ रही है, तो ये मेसोजोम कैसा मेसोजोम कहलाएगा, सेप्टल मेसोजोम कहलाएगा, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर नहीं जोड़ती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल मेसोजोम, ठीक है ना, लेटरल मेसोजोम। सेप्टल मेसोजोम और लेटरल मेसोजोम क्या काम करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं, रेप्लिकेशन में, रेस्पिरेशन में, और सीक्रेशन में, कुछ सब्सटेंस सीक्रेट करना उसमें, सरफेस एरिया बढ़ा देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, क्योंकि इसमें इसलिए वजह से रेस्पिरेशन में काम करती है ना, क्योंकि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, इसलिए हम इसको कॉन्ड्रियोइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकते हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, सेप्टल मेसोजोम क्या है, लेटरल मेसोजोम क्या है, कॉन्ड्रियोइड क्या है, या क्यों कहते हैं कॉन्ड्रियोइड, या रेस्पिरेशन में कौन सी चीज़ मदद करती है, ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है ना बैक्टीरिया में, तो कौन सी चीज़ ऐसी है, कौन सा पार्ट ऐसा है, या कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो इसकी मदद करता है बैक्टीरिया की रेस्पिरेशन में, तो आप बता सकते हैं। फिर आगे देखते हैं तो इन कुछ और चीज़ें आती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे पहली जो चीज़ है इंक्लूजन। इंक्लूजन क्या है, नॉन लिविंग मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, यानी कि नॉन लिविंग है और कोई मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर नहीं है। तीन तरह के होते हैं, गैस वैक्यूल, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स और फूड रिजर्व। क्या काम करते हैं, रिजर्व मटीरियल स्टोर करके रखते हैं, कुछ मटेरियल जो चाहिए होता है किसी चीज़ को बनाने में, या फूड मटेरियल, वो सब चीज़ें ये अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस इंक्लूजन बॉडीज़। फिर क्रोमेटोफोर, कुछ हमारे प्रोकैरियोट्स जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे है, पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, इनके अंदर मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है ना, और उनके अंदर क्या होता है, पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ठीक है जी। फिर आते हैं राइबोसोम। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, और 70S टाइप राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम आपको पता है कि दो तरह से होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, 70S और 80S। 70S जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में होते हैं, और 80S जो राइबोसोम है वो आपके किस में होते हैं, वो यूकैरियोट्स में होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फिर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, और नहीं पढ़ा तो घबराने की जरूरत नहीं, 11th क्लास हम जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम इसको पढ़ लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट।
अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं और रोल इनका होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी कि आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर ये बनते हैं राइबोसोम्स, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। न्यूक्लियोइड मैंने आपको पहले बताया रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटीरियल, नेकेड डीएनए होता है, सिंगल क्रोमोजोम के इक्वल होता है ये हमारे, ठीक है जी, और सर्कुलर ये शेप में होता है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए सर्कुलर है, जो डीएनए है ना, जो डीएनए है ये न्यूक्लियोइड, इससे अलग एक और सर्कुलर डीएनए होता है सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर ही होता है सिर्फ, उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी कि खुद रेप्लिकेट कर लेता है अपने आप को जस्ट लाइक दिस। यूनिक कुछ फिनोटिपिक कुछ ऐसे जीन्स इसके पास होते हैं जो कि एक अलग से फिनोटाइप यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस देते हैं बैक्टीरिया को, और रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक्स से भी रेजिस्टेंट के लिए इसके पास कुछ जीन्स होते हैं। फ्लैजेलम जो है, मैंने आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया था फ्लैजेलम, ठीक है, वो उसके फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, ये तीन पार्ट्स होते हैं, और मोटिलिटी जो बैक्टीरिया जो होते हैं उनको मोटाइल बनाने का जो काम है ये फ्लैजेलम करते हैं। पाइली या पाइलस, पाइली मतलब प्लूरल फॉर्म है और जो है पाइलस सिंगुलर फॉर्म है। सो सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं ये भी, इलोंगेटेड और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और पाइलिन प्रोटीन से बनते हैं और इनका रोल होता है कॉन्जुकेशन में। इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फिम्ब्रिए ब्रिस्टल, जैसे आपके ब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं उसी तरह के कुछ फाइबर्स होते हैं, और एडेशन में रोल होता है। एडेशन का मतलब क्या है, अगर बैक्टीरिया जो है किसी सब्सट्रेट से अटैच होना चाहे, जैसे स्टोन है तो स्टोन से अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया जो है अटैच होना चाहे तो ये फिम्ब्रिए लाइक जो स्ट्रक्चर है, या अपने होस्ट से अटैच होना चाहे तो उसमें ये बैक्टीरिया जो है रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज शेप, शेप की बात करते हैं कि बैक्टीरिया ये जो यू बैक्टीरिया किस किस शेप के होते हैं, ठीक है, तो पहली जो मोस्ट कॉमन शेप है वो बैसिलस यानी कि रोड शेप के ये होते हैं, जैसी रोड होती है। कोकस यानी कि सर्कुलर या स्फेरिकल हो सकते हैं। विब्रियो यानी कि ये कोमा शेप्ड हो सकते हैं, कोमा बिल्कुल एक कोमा बना दिया आपने बस इस तरह से, ये तो नाइन बन गया लेकिन आप कोमा बना लीजिए, ठीक है, कोमा शेप्ड। स्पायरलम कोइल्ड होते हैं, ठीक है ना, स्पायरलम कोइल्ड। माइसीलियल, माइसीलिया लाइक, ठीक है, तो इस तरह से जो है ये चीज़ होती है। अब शेप देख लेते हैं इनकी, ये देखिए यहाँ पर, तो कोकाई जो प्लूरल फॉर्म है, तो कोकाई यहाँ पर आप सकते हैं डिप्लो कोकाई की फॉर्म में हो सकते हैं ये टेट्राड यानी कि चार अगर मिल जाए तो, स्ट्रेप्टो कोकाई ये चेन की फॉर्म में अगर है तो, ठीक है, और स्टेफाइलो कोकाई अगर इस तरह से ये अरेंज हो जाए तो ग्रेप्स की फॉर्म में, और सार्केने जब 3D स्ट्रक्चर ये बना लें, ठीक है, तो ये कोकाई के अलग डिप्लो कोकस, ठीक है ना, टेट्राकोकस या टेट्राड, स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकाई आप बोल सकते हैं, स्टेफाइलोकोकस सार्गिना, ठीक है। फिर बैसिलाई, बैसिलाई में आप देख सकते हैं यहाँ पर, बैसिलाई में जो है या सिंगुलर अगर बोले तो बैसिलस, रोड शेप, देखिए रोड की शेप है, तो अगर चेन की फॉर्म में तो वही जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, चेन की फॉर्म में भी हो सकते हैं ये, और ये आपके अलग भी हो सकते हैं, तो मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्टेफाइलोबैसिलस, इस तरह से ये हो सकते हैं, इस तरह से ये आपके हो सकते हैं, ठीक है। और जो है यहाँ पर देखिए आप नेक्स्ट जो चीज़ है, ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप बैसिलस, और अदर में फिर विब्रियो है जो है कोमा शेप्ड, ठीक है, स्पायरल है इस तरह स्पायरल, और एक माइसीलियल होता है जो यहाँ पर नहीं दिखाया हुआ है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ माइसीलियल आपके सामने, अगर बन जाता है तो माइसीलिया लाइक होता है बस ये, इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कैसे होता है देख लेते हैं एक बार, तो ये देखिए इस तरह से कुछ होता है ये, ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा ये जैसे ब्रॉड है और यहाँ पे जाते जाते ये थोड़ा पतला होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह की कुछ शेप होती है, ठीक है, माइसीलियल की, ठीक है। स्पायरलम जो है वो कॉइल्ड होता है ना, ये इस तरह से कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर आपने जैसे आप मोर्टीन की कॉइल वगैरह देखते हैं ना, तो वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है वो, तो इस तरह से मान लीजिए वो शेप होती है थोड़ी, तो ये शेप यहाँ पर आपने देख ली बाकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो फ्लैजेला के बेसिस पर भी बैक्टीरिया को हमने कर दिया गया, ए ट्राइकस यानी कि फ्लैजेला जब एब्सेंट होते हैं, और ट्राइकस यानी कि जब फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, तो ए ट्राइकस बैक्टीरिया भी होते हैं और ट्राइकस बैक्टीरिया, ऐसा नहीं कि फ्लैजेला सब में ही होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया से जो मोटाइल नहीं होते हैं तो वो ए ट्राइकस हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, अभी जो ट्राइकस हैं, जो फ्लैजेला हैं वो भी एक है, अगर है तो मोनोट्राइकस है, अगर दो है दोनों साइड एक एक तो एम्फीट्राइकस, सिफेलो अगर हेड की तरफ ही अगर मान लीजिए एक तरफ ही है अगर, ठीक है ना, बहुत सारे फ्लैजेला तो हम सिफेलो बोलते हैं। लोफो अगर दोनों तरफ जैसे मान लीजिए तीन इधर है लोफो। पेरीट्राइकस जब पूरी बॉडी की तरफ अगर, तो अगर अगर हम इसकी बात करें, इस फ्लैजेला की अगर हम बात करें, तो ये अगर बैक्टीरिया अगर हम बात करें तो ये कैसा आप बोलेंगे, ये कौन सा है, देखिए यहाँ पर भी बैक्टीरिया है, यहाँ पर भी सॉरी फ्लैजेला है, देख सकते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये देखिए यहाँ पर भी फ्लैजेला है, यहाँ भी फ्लैजेला है, यहाँ भी फ्लैजेला है, यहाँ भी, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर
फ्लैजिला बॉडी के चारों तरफ हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, पेरिट्राइकस। ठीक है, फ्लैजिलम का जो स्ट्रक्चर है ये मैंने खुद बनाया है, तो आप ये भी समझ सकते हैं और आगे से भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अगर इसमें ना समझ में आए तो ये फिलामेंट है, ये वाला यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है ये थ्रेड वाला, ये फिलामेंट और ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ है। ये जो ब्लू वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन बनाया है मैंने इतना, ठीक है ना, ये हुक है। एंड देन अंदर ये जो रेड वाला रीजन है ये रोड है, और ये बड़ी वाली जो चीज़ें हैं ये जो प्लेट लाइक हैं ये एक्चुअल में रोड हैं, जो है रोड है। और ये जो पार्ट है ना, ठीक है ना, ये सॉरी ये वाला जो पार्ट है ये रोड है और ये रिंग है दोनों। ठीक है, यहाँ समझ लेते हैं इसको कैसे अरेंज होते हैं। देखिए यहाँ इस लेफ्ट वाले में अगर आप फिगर में देखें तो यहाँ देखने की कोशिश कीजिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड बाय लेयर है, ठीक है ना, ये लिपिड बाय लेयर है और ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हो गई आपकी। ठीक है, यानी कि ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये आपकी पेप्टिडोग्लाइकन हो गया यानी कि सेल वॉल हो गया, और ये आउटर मेम्ब्रेन होगी। तो आउटर मेम्ब्रेन तक देखिए किस तरीके से जा रहा है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिंग है। ठीक है, इन रिंग के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको, बस रिंग आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये रिंग हमने दिखा रखी है और बीच में ब्लू वाली जो है रोड हो गई है। ठीक है, ये रोड हो गई और ये आपका हुक हो गया और ये आपका फाइनली फिलामेंट हो गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसको, तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। ये सबसे पहले ये जो रिंग है हमारी, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए रिंग है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रिंग, एक रिंग यहाँ पर है और फिर यहाँ पर ये क्या है दूसरी आपकी, यहाँ पर ये जो है रिंग है, ठीक है ना, ये वाली रिंग है और ये आपका सेल वॉल है। एंड आफ्टर दैट ये भी रिंग है और यहाँ पर येल्लो वाली जो है रोड है। ठीक है, और ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है, ये फाइनली हुक है और यहाँ पर ये फिलामेंट जो कि फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर पूरे फ्लैजिला का होता है। अब जो बैक्टीरिया है उनको हम दो कैटेगरी में और डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। क्या मतलब है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का, देखिए हैंस क्रिश्चियन ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया था, तो इस वजह से ही हम बैक्टीरिया को भी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोल देते हैं। तो एक्चुअल में क्यों बोलते हैं वो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्लाइड पर बैक्टीरियाज को लेते हैं और फिर उनको हीट फिक्स कर देते हैं, मतलब हीट कर देते हैं थोड़ा सा ताकि वो फिक्स हो जाए वहाँ पर। उसमें हम उसको ऐड करते हैं, क्रिस्टल वायलेट ऐड करते हैं और फिर उनको 30 सेकंड से एक मिनट तक रखते हैं, फिर उसको हम वॉश कर देते हैं। ठीक है, वॉश करने के बाद हम उसमें ग्राम आयोडीन जो है ऐड करते हैं और फिर उसको स्लाइड को रखते हैं लगभग वही 30 सेकंड से एक मिनट तक। जितने भी बैक्टीरिया अब यहाँ पर होंगे वो पर्पल हो जाएंगे, जितने भी बैक्टीरिया हैं। फिर हम उसको वॉश करते हैं 90% एसीटोन या अल्कोहल से। ठीक है, बैक्टीरिया जो रिटेन कर लेते हैं इस पर्पल कलर को वो तो ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं, यानी कि जो हैंस क्रिश्चियन ग्राम वाला जो स्टेन है एक्चुअल में हम मान लेते हैं, ठीक है ना, उसको उन्होंने रिटेन कर लिया इसलिए वो ग्राम पॉजिटिव हो गए। ठीक है, और जो लॉस्ट कर देते हैं, जो लूज कर देते हैं इस पर्पल स्टेन को, वो ग्राम नेगेटिव हो गए। इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हम सेफरिन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है, देखिए यहाँ पर अब ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया उनमें क्या डिफरेंस है वो देखिए, यहाँ देखिए। सबसे पहले तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपको इस तरह के दिखेंगे पर्पल तरीके, यहाँ देखिए ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये जो रेड है सेफरिन ऐड करने के बाद ये आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ऐसा क्यों होता है, डिफरेंस देखिए। देखिए ग्राम पॉजिटिव का जो एनवलप है वो है सबसे अंदर जो ग्रीन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद में जो स्पेस है ब्लू वाला वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, एंड देन आफ्टर दैट पेप्टिडोग्लाइकन यानी कि सेल वॉल है। देख सकते हैं आप, समझ सकते हैं आप इस चीज़ को। ठीक है, ये तो है ग्राम पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, एनवलप का स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर आपको पता है मीजोजोम होगी और न्यूक्लियोइड होगा और राइबोसोम्स होंगे और ग्लाइकोजन होगा और लिपिड ड्रॉपलेट्स होंगी, वो सब चीज़ें अंदर होंगी। ठीक है, ओके, यहाँ देखिए आप ग्राम नेगेटिव में क्या होगा, ग्राम नेगेटिव में आप यहाँ देखिए एक एक्स्ट्रा लेयर है जो है आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है, जो कि मैंने आपको बताया लिपोपोलीसेक्राइड और प्रोटीन से मिलकर बनती है। ठीक है, अंदर से वही सेम इसी तरीके से देखिए यहाँ पर हमने जैसे देखा ग्रीन वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर ब्लू वाला जो रीजन है वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस, एंड देन रेड वाला जो रीजन है वो पेप्टिडोग्लाइकन। यहाँ पर भी सेम वही है, ग्रीन वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आफ्टर द ब्लू वाला पेरिप्लाज्मिक स्पेस, उसके बाद जो यहाँ पर देखिए यहाँ थिकनेस देखिए, यहाँ मोटी है पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल, जहाँ मोटा है थिक है, यहाँ पर थिन है। ठीक है, लेकिन है तो सही सेल वॉल, ठीक है बात मान ली। उसके बाद आगे अगर आप बढ़ें तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर फिर से पेरिप्लाज्मिक स्पेस है ब्लू वाला, ठीक है, और उसके बाहर एक और ग्रीन कलर की मेम्ब्रेन है, डार्क ग्रीन कलर की, ये आउटर मेम्ब्रेन है। तो होता क्या है कि इस केस में जो आपने जो ऐड किया था ना आयोडीन,
तो ये आयोडीन क्या करता है, आयोडीन जो है एंटर कर जाता है। अब ऑब्वियसली आउटर मेम्ब्रेन तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में एंटर कर जाता है और यहीं पर ये इंटरकैलेट हो जाता है, ठीक है, मतलब यहीं बीच में फिक्स हो जाता है। तो इस वजह से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो ब्लू कलर के, वॉयलेट कलर के दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, बात समझ गए। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जब आप ये स्टेन आयोडीन ऐड करेंगे ना, तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये उसको अंदर नहीं जाने देती। मतलब अगर वो पेप्टिडोग्लाइकन में चला जाए, इसमें सेल वॉल में चला जाए, तो वहाँ फिक्स हो जाएगा, लेकिन वो उसको अंदर जाने नहीं देती क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन है ना यहाँ पर। तो ये आउटर मेम्ब्रेन, इस वजह से जो है ये बैक्टीरिया स्टेन को जो है रिटेन नहीं कर पाते हैं। और जैसे आप वॉश करेंगे तो वो पहले तो ब्लू हो जाते हैं, पर्पल हो जाते हैं, लेकिन वो वॉश करते के साथ ही वो जो पर्पल कलर है वो रिटेन नहीं कर पाएंगे, देखिए, ठीक है। तो सेफ्रिनिन जब आप इसमें ऐड कर देंगे तो रेड कलर के इस तरह के अपीयर करेंगे, ठीक है। तो ये आपने, ये माइक्रोस्कोप के अंडर दिखाए हुए हैं ये चीज़ें, ठीक है, जो माइक्रोस्कोप के अंडर ही दिखती हैं और ये चीज़ें, ठीक है ना, क्योंकि बैक्टीरिया तो माइक्रोस्कोपिक है ना, इसलिए तो हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, समझ में आ गई आपको। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेशन है वो दोनों तरह से होता है, कुछ में एरोबिक होता है और कुछ में एनएरोबिक होता है, ठीक है। एरोबिक में ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ग्लाइकोलिसिस यहाँ पर जो होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा, जो क्रैब साइकिल होगी, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, है ना, प्लांट फिजियोलॉजी वाली यूनिट में। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल में टूटना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है ना। इससे जो है हमें एटीपी मिलती है। क्रैब साइकिल, फिर ये जो पायरुविक एसिड था, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ये बनता है, और एसिटाइल कोएंजाइम इस क्रैब साइकिल, इस टीसीए साइकिल में एंट्री कर लेता है, और जहाँ पर फिर से हमें क्या मिलता है, एनएडीएच मिलता है, एफएडीएच2 मिलता है, और साथ में एटीपी मिलती है, और फिर वो एनएडीएच जो है उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो ये कहाँ पर होती है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में होती है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन यानी कि ऑक्सीडेशन से एटीपी बनाना, ठीक है ना, इसलिए हम इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो एटीपी जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है वो एक्चुअल में किस तरह से बनती है, हम जो खाना खाते हैं उससे किस तरह से हमें एनर्जी मिलती है, वो सारी बात यहाँ पर बताई जाती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। तो ये आपने, तो फॉस्फोरिलेशन, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वहाँ यूकैरियोट्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो उनकी मेम्ब्रेन में हो गई, लेकिन यहाँ तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो यहाँ पर मेसोसोम में होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्योंकि मेसोसोम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो एक्सटेंशन है, और इसके पास मैंने आपको क्या बताया, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है और एंजाइम्स हैं, जिसकी वजह से जो है ये मेसोसोम जो है क्या कर पाती है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर पाती है। एनारोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड हेयर, है ना, और यहाँ पर ये गलत लिखा गया, फर्मेंटेशन एक्चुअल में फर्मेंटेशन है, ठीक है ना। फर्मेंटेशन हम किस प्रोसेस को बोलते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में, और साथ में कुछ एनर्जी भी देता है, तो हम उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। प्यूट्रीफेक्शन, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है प्रोटीन का, ठीक है, जब प्रोटीन को जो है ब्रेक डाउन किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस प्रोसेस को प्यूट्रीफेक्शन बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डीके फिर किसको बोलते हैं, जब ऑर्गेनिक मैटर का एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जब वो एनर्जी देते हैं, तो हम उसे डीके बोलते हैं, ठीक है, डीके हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आफ्टर दैट, रेस्पिरेशन जो बैक्टीरिया में होते हैं, तो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो ओब्लिगेट एरोब्स होते हैं। ओब्लिगेट एरोब्स का मतलब क्या है, कि दे आर ओब्लाइज्ड फॉर ऑक्सीजन, ठीक है ना, दे आर ओब्लाइज्ड फॉर ऑक्सीजन का मतलब कि ऑक्सीजन ही मस्ट है इनके सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना। ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन में दे वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव। आफ्टर दैट ओब्लिगेट एनारोब्स, ओब्लिगेट एनारोब का मतलब क्या है, एनारोबिक कंडीशन के लिए ये ओब्लाइज्ड हैं, कि भाई एनारोबिक कंडीशन होगी तो ही हम सर्वाइव करेंगे, जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगी हम मर जाएंगे, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं। तो ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर देयर सर्वाइवल। फैकल्टेटिव एरोब्स क्या हैं, ये है तो एनारोबिक बैक्टीरिया, ये है तो एनारोबिक बैक्टीरिया, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये सर्वाइव करते हैं, ये, लेकिन अगर इनको ऑक्सीजन की फैसिलिटी मिले, यहाँ से मैंने ऐसे बना लिया है फैकल्टेटिव से, कि अगर इनको ऑक्सीजन की फैसिलिटी मिले तो भी ये सर्वाइव कर लेंगे, कैन ऑल्सो सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो। फिर फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या है, भाई ये एनारोब्स हैं तो एरोबिक, बट अगर इनको एनारोबिक फैसिलिटी मिले, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी ये सर्वाइव कर लेंगे। तो ये चार तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन का मतलब खाना बनाना, न्यूट्रिशन का मतलब किस तरह से कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना ऑब्टेन कर रहा है, ठीक है, वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है या कहीं से डिराइव कर रहा है, वो चीज़ है। खाना बनाना नहीं, एक्चुअल में खाना ऑब्टेन करना इज अबाउट न्यूट्रिशन। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, क्या वो अपना खाना खुद बनाते हैं, देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब जो है आपके खाने से है, ठीक है ना, बनाने से, मैन्युफैक्चरिंग। तो ये यानी कि खुद अपना खाना बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कैसे बना रहे हैं, तो पहले
एक तरीका तो ये है कि फोटोऑटोट्रॉफिक यानी कि सनलाइट का ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, अपना खाना बनाने में। तो सनलाइट का कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कुछ पिगमेंट्स है, कौन कौन से, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो फायोफाइटिन। जैसे प्लांट्स अपना खाना क्यों बना पाते हैं, क्योंकि उनके पास पिगमेंट्स है, कौन सा, क्लोरोफिल ए बी सी ये सब, फ्यूकोजेंथिन और ये सब फायोफाइटिन, ये सब चीज़ें बता रखी है, कैरेटिनॉइड्स, तो ये सब क्या है, पिगमेंट्स है ये। तो इसी तरीके से जो है बैक्टीरिया में भी, कुछ बैक्टीरियाज में भी ऐसे पिगमेंट्स होते हैं, इसी वजह से वो अपना खाना खुद बना पाते हैं। लेकिन ये जो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, ये अनऑक्सीजेनिक करते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते उस फोटोसिंथेसिस में। भाई ऐसा कैसे होगा, क्यों नहीं करते हैं ये, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनका जो प्रोटोन डोनर है ना, जो प्रोटोन डोनेट करने वाला है, वो वाटर नहीं होता है जो प्लांट्स के केस में होता है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, यानी कि कहने का मतलब है H2S होता है। अब आप खुद सोचिए, जब ऑक्सीजन तो वाटर से आ रही है ना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो ऑक्सीजन तो आई ही नहीं कहीं से। भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो इन्होंने यूज कर ली, मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड से, तो लेकिन क्या बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट ही तो बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट ही तो बनाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के साथ हमें वाटर भी तो चाहिए, वाटर से ही तो ऑक्सीजन डिराइव होगी। भाई कार्बन डाइऑक्साइड का तो यहाँ पर रिडक्शन होगा, और वाटर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इसलिए तो हम इसको ऑक्सीडेटिव रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं फोटोसिंथेसिस को। लेकिन यहाँ पर जो डोनर है वो हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो इस वजह से जो है यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बनती है। तो ऐसे कौन से बैक्टीरिया है, पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक तो है, खाना तो अपना खुद बना लेते हैं, अपने लिए सिर्फ ये मजे ले रहे हैं, यानी कि हमारे लिए कुछ भी बेनिफिशियल नहीं हो रहे, क्यों, क्योंकि हमें ऑक्सीजन तो दे ही नहीं रहे हैं प्लांट्स की तरह। कीमोटोट्रॉफिक, कीमोटोट्रॉफिक के केस में क्या होता है, केमिकल्स, केमिकल यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ये यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोसोकोकस है, ये सब क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जैसे ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को जैसे ले लिया, ठीक है, और उसको क्या, उसमें किस में चेंज कर दिया, उसको नाइट्राइट में चेंज कर दिया, नाइट्राइट में, इनके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है ना, इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे, नाइट्राइट में चेंज कर दिया, नाइट्रेट में चेंज कर दिया, ठीक है। नाइट्राइट एक्चुअली NO2 नेगेटिव होगा, नाइट्राइट, ठीक है। तो ये अपना खाना वहाँ से डिराइव इन्होंने कर लिया। अपने खाना बनाने के साथ साथ कुछ ऐसे भी हैं इनमें जो अपना खाना नहीं बना सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो हिटरोट्रॉफिक कहलाते हैं। तो कौन कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिएंट, सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक का मतलब क्या है, सेप्रोफाइटिक है, सेप्रोट्रॉफिक ये क्या करते हैं, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, फ्रीली ये रहते हैं, लेकिन ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है ना, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को अपना खाना वहाँ से ड्राइव करते हैं, ठीक है, जैसे क्लोस्ट्रीडियम है, इसलिए हम इसको सीवेज ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। सिम्बायोटिक, जो कि किसी के साथ रहे, एक एसोसिएशन में रहे, जहाँ पर इसको खुद को भी फायदा हो और उस ऑर्गेनिज्म को भी फायदा हो, जैसे जैसे राइजोबियम, ये जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया लेगुमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में रहता है, और वहाँ पर ये क्या करता है, वहाँ पर ये नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम कर देता है, वहाँ पर ये नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम कर देता है, तो प्लांट के लिए भी काम हो गया, क्योंकि प्लांट नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन एटमोसफेयर में उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये राइजोबियम उनके लिए काम कर देते हैं, इसके लिए इनको रहने के लिए जगह मिल जाती है, और लेगुमिनस प्लांट्स को जो है मिल जाती है, जिसकी वजह से वो फिर अपने अमीनो एसिड्स प्रोटीन बना लेते हैं। ईकोलाई, हमारे इंटेस्टाइन में ईकोलाई रहता है, ईकोलाई को भाई अपना जो है रहने का स्थान मिल जाता है और थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है, और हमारे लिए क्या कर देता है, हमारे लिए ये जो है सेलुलोज से रिलेटेड कुछ इसका काम होता है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी नहीं, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल ज्यादा है, ज्यादा लंबी स्लाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये ईकोलाई हो गया। फिर पैरासिटिक, पैरासिटिक जो होते हैं वो दूसरे लिविंग बीइंग के कांटेक्ट में रहते हैं और अपना खाना वहाँ से डिराइव करते हैं ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, इन दोनों में फ़र्क यही है कि यहाँ पर ये बेनिफिट कर रहे हैं, यहाँ पर ये बेनिफिट नहीं करते हैं। दे मे कोज डिजीज एंड दे मे नॉट, अब डिजीज़ भी कोज कर सकते हैं, जैसे विब्रियो कोलेरा, कोलेरा डिजीज करते हैं, क्लोस्ट्रियम टिटेनस टेटनस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है, न्यूट्रिशन की बात। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में क्या है, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बिल्कुल है। यहाँ पर कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता और कोई एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं होता है, और सबसे मोस्ट कॉमन जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, दैट इज़ बाइनरी फ्यूजन। और बाइनरी फ्यूजन में क्या करते हैं ये, बाइनरी फ्यूजन आपको पहले से पता ही है, बाइनरी फ्यूजन क्या है, कैसे क्या होता है, ठीक है, तो उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। पहले कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, फिर साइटोकाइनेसिस, ठीक है, तो वो आप पता है, एक जो सेल है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ई कोलाई जो है वो 20 मिनट लेता है डिवाइड होने में, ठीक है, 20 मिनट्स में अगर फेवरेबल कंडीशंस है, 20 मिनट्स में डिवाइड हो जाता है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन, ये एक्चुअल में अनफेवरेबल जो कंडीशंस आती है ना, अनफेवरेबल कंडीशन, तब जो है बैक्टीरिया जो है क्या करता है, अपने सर्वाइवल को एंश्योर करने के लिए जो है ये क्या कर देते हैं, ये जो है इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का
वो लेते हैं, सहारा लेते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या करते हैं इस दौरान जो है, इस दौरान एक अपने बस क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो है क्या है, इस तरीके से कर लेते हैं, अपने जो इनका जो न्यूक्लियोइड है ना उसके चारों तरफ ये क्या बना लेते हैं, एक थिक कैप्सूल बना लेते हैं जब फेवरेबल नहीं होती कंडीशन, थिक कैप्सूल, और इसी को हम एंडोस्पोर बोलते हैं। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन इसको हम बोल देते हैं कि भाई ये भी एक तरह का रिप्रोडक्शन का ही इनका वो है, लेकिन एक्चुअल में ये अपना सर्वाइवल एंश्योर कर रहे हैं यहाँ से। बडिंग, बडिंग आपको पता है जैसे ईस्ट में हमने बात की थी, ठीक है ना, एक आउट ग्रोथ हो जाती है स्ट्रक्चर में, बहुत रेयर होता है, लेकिन कुछ ही बैक्टीरिया की स्पीसीज में देखने को मिलता है ये। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई साहब जो है एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है यहाँ पर। टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है यहाँ पर ये बिल्कुल भी, बस जेनेटिक मटेरियल का वो हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। वो कैसे हो रहा है वो देख लेते हैं, गैमेट फॉर्मेशन वगैरह ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। देखिए पहला जो मोड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो है ग्रिफिथ के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था 1928 के दौरान, 1928 में ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो है एक बैक्टीरिया का वो ट्रांसफॉर्म कर देता है जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया का, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, देखिए जैसे ये कुछ डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं और इन डीएनए फ्रेग ये बैक्टीरियल क्रोमोजोम बैक्टीरिया है, और यहाँ पर क्या बैक्टीरियल क्रोमोजोम ने अपटेक कर लिया इस डीएनए का, मतलब ये जो बाहर डीएनए फ्रेगमेंट्स पड़े थे ना इनको जो है अपटेक कर लिया, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर आ गया है, तो ये जो है अगर इंटीग्रेशन हो जाता है इसका, इस जो है बैक्टीरिया के डीएनए में, बैक्टीरिया के डीएनए में अगर इसका इंटीग्रेशन हो जाता है तो हम इसको स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं, और अगर इसका डिग्रेडेशन कर देता है बैक्टीरिया इस फॉरेन फ्रेगमेंट का तो इसको हम अनसक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन बोल दे। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि उसके इंटीग्रेट हो जाना उसमें, क्योंकि जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो क्या होगा, ये भी जो है क्या करेगा, फिर रेप्लिकेट करेगा इस होस्ट डीएनए के साथ साथ। प्लाज्मिड भी ऐसा कर सकते हैं, तो प्लाज्मिड का अपटेक हो सकता है यहाँ पर बैक्टीरियल क्रोमोजोम, ये इंटीग्रेट नहीं होगा बस ये यहाँ पर अलग से रहेगा, क्योंकि ये तो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है तो इसमें इसको इंटीग्रेट होने की जरूरत नहीं है, तो ये भी स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, ट्रांसडक्शन में भी जो है ये जिंडर और लीडरबर्ग ने जो एक्सप्लेन किया था इसको, और इसमें इन्होंने बताया था कि ट्रांसफ़र होगा जेनेटिक मटेरियल का एक बैक्टीरिया का अनदर बैक्टीरिया में वाया बैक्टीरियोफाज, जो कि एक वायरस होता है। तो वायरस जो अफेक्ट करे बैक्टीरिया को उसको हम बैक्टीरियोफाज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये बैक्टीरिया है, ये इसका क्या है, ये इसका न्यूक्लियोइड है, डीएनए है, ठीक है, नेकेड डीएनए। तो मान लीजिए इसमें क्या है, इसमें जो है कोई आपका जो बैक्टीरियोफाज है वो अटैक करता है, वो अपना डीएनए अंदर रिलीज करेगा, उसका डीएनए जो है फ्रेगमेंट में टूटेगा, और साथ में ये इसका जो डीएनए उसको भी फ्रेगमेंट में तोड़ देते हैं, ठीक है। बाद में ये इंटीग्रेट कर जाएगा, देखिए ये अपना अपनी वो कैप्सिड और अपने सारे पार्ट्स बना लेगा, और देखिए इसने ब्लू कलर में बैक्टीरिया के जो क्रोमोजोम है, बैक्टीरिया का जो डीएनए उसको भी इंटीग्रेट कर लिया है। अब ये बाहर निकलेंगे सेल को बर्स्ट करके, दूसरे किसी बैक्टीरिया पर जाएगा, और दूसरे बैक्टीरिया में जाकर ये देखिए यहाँ पर इसने अपने डीएनए के साथ साथ जो दूसरा ए बैक्टीरिया था, ये ए बैक्टीरिया है, ये बी बैक्टीरिया है, इस बी बैक्टीरिया में जो है देखिए यहाँ पर ये डीएनए इसको दे दे, यहाँ पर ये देखिए ये इंटीग्रेट कर गया है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से इसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। तो क्योंकि जीन रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, जेनेटिक वेरिएशन का यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर ट्रांसफर, इसलिए हम इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए क्योंकि जीन रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस हो रहा है। कॉन्जुकेशन लीडरबग और टैट्यूम ने इकोलाई में एक्सप्लेन किया था, इन्होंने इसमें क्या बताया था वो देख लेते हैं एक बार। देखिए इसमें इन्होंने ही बताया था कि एक जैसे ये मेल बैक्टीरिया है, हम जिनके पास ये एफ प्लाज्मिड होता है ना, जिनके पास ये एफ प्लाज्मिड उनको मेल बोल देते हैं, ठीक है ना, ये मेल बैक्टीरिया है, और जिनके पास नहीं होता उनको हम फीमेल बैक्टीरिया बोल देते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था पाइलिस, ये एक्चुअल में स्पेलिंग गलत है, पाइली या पाइलस, अभी सिंगुलर है तो पाइलस ही इसको हम बोलेंगे। तो पाइलस जो है नाम का ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर देखिए प्रेजेंट होता है बिल्कुल, है ना, रोड शेप जो स्ट्रक्चर है ये, और ये जो मेल है ये डोनर है क्योंकि इसके पास एफ प्लाज्मिड, और ये रिसिपिएंट जो है वो नहीं है, वो रिसिपिएंट है वो फीमेल है। तो ये रोड जो है पाइलस जो इस तरह से यहाँ पर इसे अटैच हो जाता है, और एक कॉन्जुकेशन ट्यूब बना लेता है, कॉन्जुकेशन ब्रिज बना लेता है, ठीक है। और जो है यहाँ पर फिर ये क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि ये जो प्लाज्मिड एफ प्लाज्मिड ये रेप्लिकेट करता है, और एक कॉपी जो है वो कहाँ चली जाती है, यहाँ पर चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है डोनर जो है वो यहाँ से इसने डोनेट कर दिया एफ प्लाज्मिड, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है ये एफ पॉजिटिव हो गया, तो ये भी एफ, ये एफ पॉजिटिव है, और ये जो है एफ नेगेटिव था, तो ये भी अब एफ पॉजिटिव ही हो गया है, ठीक है। जो फीमेल थी वो भी एफ पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो बात समझ गए होंगे आप, तो ये जो है कॉन्जुगेशन है।
क्या बैक्टीरिया हार्मफुल ही है हमारे लिए या कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है इनकी, कुछ अच्छा काम भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कर्ड मेकिंग जो आती है, जो आप दही जमाते हैं वो इन्हीं की वजह से। चीज़ मेकिंग, जो पनीर बनाते हैं, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स, है ना। बायोटेक्नोलॉजी में हम यूज़ करते हैं होस्ट को, एज अ होस्ट यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ें। जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं ना किसी भी नई मेडिसिन की, मान लीजिए, तो हम हमेशा बैक्टीरिया को ही पकड़ के करते हैं सबसे पहले। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, वेक्टर के तौर पे हम यूज़ करते हैं, जो इसका प्लाज्मिड है उसको वेक्टर, वेक्टर यानी कि एक जीन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो वेक्टर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचाने के लिए, तो उसको हम वेक्टर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ समझिए आप, जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना। बैक्टीरिया के पास इसका प्लाज्मिड था, हमने प्लाज्मिड को इससे निकाल लिया। निकालने के बाद क्या किया हमने, इसको जो है काट दिया, इसको थोड़ा काट के, जैसे मान लीजिए ये इतना काट दिया हमने। काटने के बाद हमने जो हमारा जीन जो हमें इंसर्ट करना है किसी नए ऑर्गेनिज्म में, वो जीन हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद इस प्लाज्मिड को हमने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल ए बैक्टीरिया था, और इसकी एक जीन को हमें ए बैक्टीरिया है, ये बी बैक्टीरिया है, ठीक है। तो हमारे पास एक जीन है जो हमें इस बैक्टीरिया में क्या करनी थी, इंट्रोड्यूस करवानी थी। तो हमने क्या किया, इसका हमने प्लाज्मिड ले लिया, इस प्लाज्मिड जीन इंसर्ट कर दी, और इस प्लाज्मिड को फिर यहाँ पर हमने इसके इस बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो अब ये जीन यहाँ पे आ गई, अब ये जीन यहाँ पर जो है अपना रेप्लिकेशन करेगी, ट्रांसक्रिप्शन करेगी, ट्रांसलेशन करेगी, प्रोटीन बनाएगी, और जो फंक्शन हम इसमें देखना चाहते थे वो यहाँ पर ये शो करेगी, ठीक है। तो गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए हम इसको वेक्टर के तौर पे। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हम बनाते हैं, जैसे बीटी कॉटन हमने बनाया, बीटी टोबैको हमने बनाया, किससे बनाया, बैसिलो थ्यूरिनजेनेसिस से ही तो बनाया, उन्हीं के जीन से तो बनाया। फाइबर रेटिंग नहीं, एक्चुअल में रेटिंग है, RETING, ये क्लोस्ट्रिडियम में करते हैं हम, ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम की मदद से करते हैं फाइबर्स की रेटिंग, जूट फाइबर्स वगैरह होते हैं। लीव्स की क्योरिंग हम करते हैं, ठीक है, यानी कि उनका एरोमा, जैसे टी जो लीव्स हैं या कॉफ़ी लीव्स हैं, ठीक है ना, उनमें एरोमा बढ़ाने के लिए, वो सब चीज़ों के लिए करते हैं। एब्जॉर्प्शन और सिंथेसिस ऑफ वाइटामिन बी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसके बारे में आपको बताऊंगा, तो ई कोलाई जो है वो हमारे अंदर एब्जॉर्प्शन में मदद कर रहा है और साथ में वाइटामिन बी की सिंथेसिस में भी रोल प्ले करता है, तो ई कोलाई का ये काम हो गया यहाँ पर, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया था कि ये कुछ जो है सूडोमोनास और क्लोस्ट्रीडियम वगैरह सीवेज ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट डिकेइंग का काम करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे भी काम करते, बताया था आपको, नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस। एंटीबायोटिक्स भी हम यहाँ से बनाते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स। 1924 में सबसे पहले ग्रेट एंट्रैश ने जो है ये माइसीलिया बैक्टीरिया से जो है, जो कि एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं, उनसे हमने एंटीबायोटिक बनाई थी, और उसके बाद हम काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स बना चुके हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये सब हम कहाँ से बनाते हैं, ये सब हम बैक्टीरिया से बनाते हैं। तो ये तो 9-10 कुछ इंपॉर्टेंस थी इनके बारे में, वो आपने देख ली। हार्मफुल बिल्कुल है, जैसे डिजीज़ कॉजिंग, कितनी सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो इन्हीं की वजह से हमारे होती है, चाहे वो कोलेरा हो, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे वो टीबी हो, है ना, चाहे वो टेटनस, बहुत सारी ऐसी बीमारियां ये कोज करते हैं। तो बहुत सारी डिजीज़ कोजिंग ये बैक्टीरिया होते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन भी ये कर देते हैं, जो नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस, उसको डीनाइट्रिफिकेशन करना। फूड पॉइजनिंग जो है वो भी इन्हीं की वजह से होती है, ठीक है। तो ये हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं इनकी कुछ। तो इस चैप्टर में इतना ही। तो किंगडम मोनेरा के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, अब हम नेक्स्ट जो करेंगे उसमें हम देखेंगे, किंगडम मोनेरा के बारे में नहीं, किंगडम मोनेरा में हमने बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। अब हम आर के बैक्टीरिया के बारे में, माइकोप्लाज्मा के बारे में, ब्लू ग्रीन एल्गे के बारे में, वायरस के बारे में, इन चार चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे अपनी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। एनसीईआरटी को रेफर करना ना भूलें। बाय, थैंक यू वेरी मच।